तो दोस्तों, सीजन कैसा भी हो, अभी मॉनसून में भले ही बारिश रुकी हुई है, जो प्लांट ग्रो करता रहता है तो फिर इस प्लांट में ट्रिमिंग भी करते रहना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ देखिए बहुत सारी ब्रांचें ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी है जो कि बिल्कुल भी अनवांटेड है। ये पहले भी पूरा प्लांट हमने रीडिजाइन किया था, रीस्टार्ट किया था, फिर से ध्यान नहीं दे पाया और ये सब निकलने लगी है ब्रांच। तो इसी ब्रांच से निकाल देनी पड़ती है क्योंकि प्लांट में जो ग्रोथ यहाँ चाहिए वही हमें करवाना है। हो सकता है ये ब्रांच अच्छी है तो उसको हम वायरिंग करके रखें, बट भले ही ये ब्रांच आपको हेल्दी लगे बट हमें जो रखी है वो ब्रांच अलग है, तो उसकी जड़ से एक दूसरी ब्रांच स्टार्ट हुई है तो इसको हम निकाल देंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ दूसरी भी एक ब्रांच निकली हुई है तो इसी ब्रांच को नहीं निकलने देना है। तो अगर बैलेंस करना सीख गए दोस्तों तो फिर आप कौन सा भी प्लांट हो आप डिजाइन कर ही लेंगे। डिजाइन कैसे करना है वो सब मैं सिखा रहा हूँ। और दोस्तों, ये 3 तारीख को यानी संडे को हमने यहाँ एक फ्री में क्लास अरेंज किया है। डोलवन लोकल लोग आ सकते हैं, यहाँ शॉर्ट पीरियड में हुआ है तो जिसको यहाँ लोकल में कोई है उसको आना है वो आ सकता है वर्क करने के लिए। कुछ 3 घंटे का रखा है हमने जेएस भाई के यहाँ, तो वहाँ कुछ ऐसे ही बैठेंगे दोस्तों, यहाँ जैसे वर्क होता है वैसे ही वहाँ रेंडमली प्लांट उठाएंगे और वर्क करेंगे, किसका सवाल हो वो सुलझाएंगे, जिससे आगे चल के उसको अच्छा अच्छे से प्लांट डिजाइन कर सके दोस्तों। तो ऐसी कुछ डिमांड थी तो चलिए कुछ ही लोग मिलते हैं, अच्छा अच्छा है सबको बुलाते हैं, जिसको आना हो वो आए और लाइव देखे। यहाँ क्या किया हमने, ये ब्रांच अब ठीक ठाक मोटी भी है तो उसको मैं अब डिजाइन करूँगा, यानी यहाँ हम वायरिंग कर लेंगे उसको तो अच्छा भी लगेगा दोस्तों। मोटी भी हो गई है और इसमें से वायर भी निकालना पड़ेगा तो 3-4 घंटे तो लगेंगे ही वहाँ। जिसको लाभ लेना है वो आ सकता है यहाँ अगल बगल में जो भी रहता है, जिसको इंटरेस्ट हो दोस्तों। बिल्कुल फ्री रखा है हमने, आप आइए और सीखिए जो कुछ भी सीखना चाहते हैं। इसको भी ट्रिम कर देंगे, अब यहाँ एक कैनोपी डेवलप करवाएंगे हम, यहाँ से जो वायर निकाला वो ही यहाँ लपेट लिया है तो बस अब तीनों ब्रांचों के बीच में थोड़ी रिदम सी बिठा देते हैं और इसको छोड़ देंगे दोस्तों। तो यही तो सीखेंगे दोस्तों हम, कैसे प्लांट में ब्रांच प्लेस करते हैं, अनवांटेड ब्रांच कैसे निकालता हूँ, आपका क्या कन्फ्यूजन है उसके बारे में आप यहाँ भी सवाल कर सकते हैं, मैं यहाँ से भी सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वहीं आना होगा, इसी क्लास में मैं ज़्यादा नहीं मानता, बट आप इस तरह रेगुलर वीडियो भी देखते रहे तो कोई किसी का क्लास करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम जो भी आएंगे उसको गाइड करेंगे, यहाँ जैसे वर्क होता है वैसे ही वर्क होगा, रेंडमली प्लांट उठाएंगे वर्क करते रहेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसमें जो कुछ भी होगा उसको थोड़ा मोटा होने देंगे इसलिए इसको सेक्रीफाइस करते हैं। तो चाहे प्लांट या मटेरियल कैसा भी हो दोस्तों, ये निग्लेक्टेड सा पड़ा हुआ था, अब देखिए इसमें क्या क्या कैरेक्टर आ गए हैं, बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर आ चुके हैं। यहाँ देखिए इसके रूट्स यहाँ 2 ही है बट गजब का दिख रहा है, कोई क्रीचर की तरह। यहाँ कोई हमें नहीं चाहिए, यहाँ हम और खींच के बांधना चाहे तो बांध सकते हैं इस तरीके से,
तो थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे करने में थोड़ा एक्सपीरियंस भी लगता है इस तरह खींच के पकड़ने में, नहीं तो ये टूट सकता है। या लोग डिवाइस भी लगाते हैं, देखिए ये कितना जबरदस्त तरीके से डिजाइन हो रहा है दोस्तों। यही सीखना है दोस्तों, स्टाइल वाइल में कुछ नहीं रखा है, हमें जो अच्छा लगता है वो हम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी नहीं रखने हैं, कुछ ही प्लांट्स पे वर्क करते हैं तो भी हमारे पास जो प्लांट हो गए वो अच्छे दिखने चाहिए दोस्तों। वो कैसे दिखेंगे वो सब आप पर भी डिपेंड करता है, तो कुछ सीखेंगे तो कुछ अप्लाई भी कर पाएंगे। सिंपल है, अनवांटेड चीज़ों को निकालिए, वायरिंग करके बेसिक स्ट्रक्चर देना है, फिर तो ऐसे ही ट्रिमिंग से वो काम चल जाता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर किसी को क्लास में आना चाहे तो ये सब रूबरू आके देख सकता है दोस्तों, इसलिए हमने इस तरह से क्लास अरेंज किया है। बहुत कुछ वीडियो देखने के बाद भी अगर किसी के मन में कोई शंका समाधान करना है वो आ सकता है, उसी घंटे का वक्त है, बट इसमें भी हम जितना हो सके इतना वर्क करने की कोशिश करेंगे। जयेश भाई के कांटेक्ट कर सकते हैं आप, तो चलिए मिलते हैं, इसी बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।